टाटा का न्यूली लॉन्च 1900 की अगर लोड बॉडी की लेंथ की बात करें तो टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, आइसर हो गया, भारत बेंच हो गया। इस व्हीकल की अगर इंजन की बात करें तो इंजन, अगर इसकी वारंटी की बात, प्राइस आपको तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग, आशा करते हो अच्छे होंगे। मैं हूं सोनू और स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोसिस ट्रक में। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं। जैसा कि देख रहे हैं, टाटा का न्यूली लॉन्च 1916 स्लीपर कैबिन, और करेंगे इसका फुल रिव्यू और जानेंगे इसके बारे में क्या कुछ मिलता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बड़ा सा विंडशील मिल जाता है, ऊपर में ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिल जाता है, यहाँ पे दो वाइपर आपको मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है विंडशील को क्लीन करने के लिए, और व्हीकल थोड़ी सी गंदी है तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स मिल जाते हैं व्हाइट कलर के सेफ्टी के लिए, और यहाँ पे चमकता हुआ 1916 की लोगो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे TATA लिखा हुआ लोगो मिलता है, और यहाँ पे टाटा का अपना लोगो मिल जाता है देखने को। और रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और हेडलाइट आपको वही पुराना वाला डिज़ाइन हैलोजन में मिलता है, और इंडिकेटर भी आपको हैलोजन में देखने को मिल जाता है, जो कि फॉग के टाइम में काफ़ी हेल्प करती है आपको ड्राइव करने में। और देख सकते हैं यहाँ पे बम्पर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है मेटल का, और यहाँ पे आपको टोचन पिन भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे हेवी ड्यूटी बम्पर भी लगाया गया है जो कि काफ़ी आपको सपोर्ट करता है आपको रेडिएटर को मतलब बचाने में, और नीचे अगर क्रॉस मेंबर वगैरह में मतलब अगर कोई पत्थर वगैरह तो नहीं टकराएगा इससे, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको फॉग लाइट लगाने का स्पेस कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपका नंबर प्लेट भी अटैच हो जाएगा। और फ्रेंड चलिए आपको उस साइड का व्यू दिखाते हैं, उस साइड में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड इस साइड की बात करें तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं टाटा फ्लीटेज का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और टाटा फ्लीटेज से मैं फ्रेंड बता दूँ आपको, एक डिवाइस मिलता है इसमें इनबिल्ट लगा हुआ, और इसका काम ये होता है कि आपका जैसे व्हीकल कहाँ पे है, कितनी स्पीड में चल रही है, क्या ड्राइवर का मतलब बिहेवियर है गाड़ी के साथ, और क्या टैंक में डीजल है, यूरिया है, सारा कुछ आपको फ़ोन पे ही बता देगी, जो कि काफ़ी सही है, जिससे कि घर बैठे ही व्हीकल को आप ट्रैक कर सकते हैं, और आपने ड्राइवर को आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं अगर कहीं पे कोई तरह का दिक्कत हुआ है। और इसमें एक एंटी थेफ्ट अलार्म भी आता है, अगर 5 लीटर या 2 लीटर से ऊपर तक का डीजल आपका व्हीकल में एक बार में ड्रेन होता है तो आपको एक मैसेज भी जाएगा, नोटिफिकेशन भी जाएगा, जिससे कि आप पता कर सकते हैं क्यों ऐसा हुआ है, जो कि ऑनेस्ट लोग के लिए अच्छा है। और फ्रेंड इसकी अगर टायर की बात करें तो टायर आपको इसमें 20 इंच का देखने को मिल जाता है, और ये व्हीकल में टोटल 6 टायर देखने को मिल जाते हैं, और एक स्टेपनी देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं फुट स्ट्रिप कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं, और ऊपर में दो आपको मिरर देखने को मिल जाते हैं पीछे देखने के लिए। यहाँ पे FE का स्टिकर देखने को मिल जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी का, और यहाँ पे आपको फ्रेंड यहाँ पे आपको एयर फिल्टर का स्नॉर्कल कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है फुल्ली फाइबर में, और ऊपर में उसका वेंट दिया गया है जिससे कि आपका एयर इनटेक सिस्टम काफ़ी सही रहता है, कम डस्ट पार्टिकल जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एयर फिल्टर का बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, और इस एयर फिल्टर को क्लीन नहीं करना, टाइम टू टाइम इसको चेंज करना, क्योंकि कंपनी सीधे यहाँ पे मेंशन करती है क्लीन ऑफ एयर फिल्टर इज नॉट रिकमेंडेड इफ क्लियर रिस्क टू इंजन इज 100%। अगर आप क्लियर करते हैं तो इंजन को कोई तरह का प्रॉब्लम भी आ सकता है, और टर्बोचार्जर वगैरह भी दिक्कत आ सकता है, तो कंपनी आपको वारंटी वगैरह देने में मना कर देगी, क्योंकि जब यहाँ पे लिखा हुआ तो आपके पेपर पे भी लिखा हुआ होगा, तो इस चीज़ का ध्यान दे। और फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेफ टैंक कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी हुई है, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 25 लीटर के साथ में आती है। और इस व्हीकल में बाहर का डेप यूज़ नहीं करें, क्योंकि कंपनी बोलती है कंपनी का डेप यूज़ करना है, क्योंकि बाहर का डेप और कंपनी का डेप में अंतर क्या होता है, थिकनेस का अंतर हो जाता है, और मिक्सिंग का भी अंतर होता है। कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन कराती है मोटर को और भी कंपोनेंट को, जिससे कि सही सलामत वो चल सके लॉन्ग टाइम तक, और जो बाहर का होता है वो जैसे तैसे, कोई वारंटी नहीं होता है, तो इसी से बचे, कंपनी का डीप यूज़ करें, कोई तरह का प्रॉब्लम आए तो कंपनी आपको वारंटी देने में मना नहीं करे, ऐसे आपको मना कर सकती है। और फ्रेंड देख सकते हैं डीएल टैंक कुछ ऐसा देखने को मिलता है फुल्ली मेटेलिक, और आपका राउंड शेप में है, और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 160 लीटर के साथ में आती है, और इसमें ही आपका एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह लगा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं वहाँ पर डिवाइस है, और उसी से आपका सब कुछ मैनेज होता है और इश्यू को सिग्नल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लोड बॉडी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हुक्स वगैरह मिल जाता है, टेक्सचर मिल जाता है मजबूती के लिए, यहाँ पे सेफ्टी के लिए स्ट्रैप्स मिल जाता है, हुक्स मिल जाते हैं तिरपाल वगैरह बांधने के लिए। और इस साइड की बात करें तो टायर आपको इधर 2 देखने को मिल जाते हैं, और इधर भी आपको मडगार्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और इस साइड में भी आपको मडगार्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ रबर की पैडिंग देखने को मिल जाती है, व्हील चोक यहाँ पे 2 मिलते हैं आपको, अगर आप कहीं व्हीकल को खड़ा वगैरह कर रहे हैं तो अपने सेफ्टी के लिए इसको यूज़ करें। और चलिए इसका पीछे का व्यू दिखाते हैं, पीछे में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फिर देख सकते हैं इसका पीछे का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे मिडिल में आपको टाटा का पंच किया हुआ लोगो मिल जाएगा, यहाँ सेफ्टी के लिए 3M के स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपका रेड कलर का स्ट्रैप्स मिल जाता है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर में आपको रेलिंग कुछ ऐसा देखने को मिलता है रस्सी वगैरह बांधने के लिए, और ऊपर में 2 सिग्नल इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, मतलब सिग्नल लाइट मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको
लोड बॉडी खोलने के लिए मिल जाता है, वहाँ पे पकड़ के आप ऊपर चढ़ सकते हैं अगर चढ़ना चाहते हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं टेल लाइट आपको फुल्ली हैलोजन में देखने को मिलता है। टाटा मोटर किसी में हैलोजन किसी में LED डाल रही है। प्लीज़ इस टाइप के व्हीकल है, जितने भी नई व्हीकल है सारे में LED डाल रही है, जिससे कि पावर कंजप्शन कम हो जाए, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल भी होती है, जो LED वाली होती है वो चलती भी ज़्यादा है, इसमें बल्ब चेंज करने का झंझट रहता है। और यहाँ पे आपको 4 बैक सेंसर लगे हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे नंबर प्लेट अटैच होने का स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको हैवी ड्यूटी पीछे का बम्पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में दिखता है। और चलिए उस साइड दिखाते हैं उस साइड क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड जैसा कि इस साइड का व्यू देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है सिमिलर उसी साइड के जैसा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेपनी के लिए टायर मिल जाते हैं, इसका मैकेनिज्म कुछ यहाँ पे मिलता है आपको, और यहाँ से आप मतलब टूल वगैरह लगा के नीचे कर सकते हैं। अकेला बंदा भी इसको चेंज करके यूज़ कर सकता है, जो कि काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको मडगार्ड कुछ इस साइड के जैसा मिल जाता है। और फ्रेंड इस व्हीकल की अगर लोड बॉडी की लेंथ की बात करें तो 22 फीट का देखने को मिल जाता है लंबाई, और जो चौड़ाई है वो 7.7 फीट का देखने को मिलता है। और इसकी GVW की बात करें तो 18,500 KG का देखने को मिलता है। और फ्रेंड एयर टैंक देख सकते हैं बड़ा सा देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका अगर जाम वगैरह में फंसते हैं तो बार बार ब्रेकिंग करने से आपका जो एयर डाउन होता था और आपको खड़ा करके एयर बनाना पड़ता था, वो चीज़ अब सॉल्व हो चुका है इस टैंक की वजह से, जो कि काफ़ी सही है। टाटा मोटर वारंटी कर रही है, चीज़ों को देख रही है और उसको चेंजेस ला रही है। और यहाँ देख सकते हैं बैटरी आपको सिंगल मिलती है इसमें, ये व्हीकल 12 वोल्ट पे वर्क करती है। और यहाँ इसको कटआउट स्विच मिल जाता है, अभी ठंड वगैरह है तो आप इसको प्लीज़ यूज़ करें, होल नाइट अगर व्हीकल को खड़ा कर रहे हैं तो इसको कट कर दें, जिससे कि आपका सुबह में स्टार्ट होने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपकी व्हीकल एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं DL फिल्टर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, 2 DL फिल्टर मिल जाते हैं बॉस के लगे हुए, और इसका फ्यूल सिस्टम पूरा बॉस का लगा हुआ है, इसीलिए फिल्टर भी आपको बॉस के ही देखने को मिलते हैं। और इसको टाइम टू टाइम जरूर चेंज करें, और अगर आपका गाड़ी मिसिंग वगैरह करे तो ये वाटर सपेटर वाला है, इसको आप जरूर चेक करवाएं कि इसमें पानी वगैरह तो नहीं आ गया। पानी आने से फ्रेंड आपका इंजेक्टर ख़राब हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान दें, अपने हिसाब से उसको काम करवा लें। और यहाँ देख सकते हैं हाइड्रोलिक मिल जाता है सिस्टम यहाँ पर, जिससे कि आपका केबिन टिल्टेबल है, आपको हाथ से नहीं करना होगा, यहाँ से पंप करने से आपका ये टिल्ट हो जाएगा। और अंदर में आपका स्टेयरिंग ऑयल का जार भी लगा हुआ है, अगर आप टाइम टू टाइम इसको मेंटेन कीजिएगा तो आपका स्टेयरिंग काफ़ी सही चलेगा, और मतलब कट वगैरह करने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे डिपस्टिक मिल जाते हैं ऑयल वगैरह चेक करने के लिए, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मडगार्ड आपको काफ़ी लंबा सा फाइबर का देखने को मिलता है, जिससे कि सड़ने गलने का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड इंडिकेटर हैलोजन में देखने को मिल जाता है, और इस साइड का व्यू भी कुछ उसी साइड का जैसा मिलता है। और यहाँ पे आपका सारा कुछ मतलब मेंशन किया गया है केबिन से रिलेटेड, आपको कैसे टिल्ट करना है कैसे बिठाना है सारा कुछ यहीं पे मेंशन है। और यहाँ पे आपको 3 मिरर मिल जाते हैं, एक आपको ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिलता है और 2 आपको पीछे देखने के लिए मिल जाते हैं। और फ्रेंड चलिए इसका अंदर का व्यू दिखाते हैं, अंदर में क्या कुछ देखने को मिलता है। और फ्रेंड यहाँ पे आपको लॉकेबल मिल जाता है इस साइड में भी, जैसे कि ड्राइवर के साइड मिलता है वैसे को पायलट के साइड में मिलता है। और कुछ ऐसा आपको गेट का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ कुछ सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं, यहाँ से गेट खींचने के लिए मिल जाता है, यहाँ से गेट खोलने के लिए मिलता है, यहाँ से ग्लास को ऊपर कर सकते हैं। और फ्रेंड चलिए अंदर जा करके देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। और जैसा कि देख रहे हैं मैं इस साइड से उस साइड जा रहा हूँ, ये वॉक थ्रू केबिन है, इसको वॉक थ्रू केबिन बोलते हैं, और अब लगभग व्हीकल में इस टाइप का केबिन ही आ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं टूल वगैरह आप कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, रड मिल जाते हैं, और देख सकते हैं मैं आराम से अंदर आ चुका हूँ। ये काफ़ी सही चीज़ है, टाटा अब इस चीज़ पर ध्यान दे रही है, मतलब पहले भारत बेंज में ये सब फीचर आ रहा था, अब टाटा भी डाल रही है, तो काफ़ी सही है। और फ्रेंड जैसा कि देख सकते हैं अंदर का भी कुछ ऐसा दिखता है, और इसका सीट कंफर्ट काफ़ी सही मिल जाता है आपको, ये एडजस्टेबल सीट आते हैं, ज़्यादा एडजस्ट नहीं हुआ क्योंकि इस साइड में आपका सीट भी है, और कुछ ऐसा आपको इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आपको सीट बेल्ट भी मिल जाता है, तो जितने भी ड्राइवर भाई मेरे वीडियोज़ को देखते हैं प्लीज़ सीट बेल्ट को लगाएं, जिससे कि आप सेफ रहें। और देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको बैठने का व्यू आता है। और स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग कुछ ऐसा देखने को मिलता है, फुल्ली स्पॉटी डिजाइन देखने को मिल जाता है नया वाला। और यहाँ पे मिडिल में आपको चमकता हुआ टाटा का लोगो मिल जाएगा क्रोम फिनिश में, इस साइड में आपको पियानो फिनिश में डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, और ये 4 स्पोक के साथ में आता है, और कुछ ऐसा आपको दिखता है। और फिर नीचे में आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन स्विच कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसमें आपका वाइपर का कंट्रोल मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल यहीं से आपको ऑपरेट हो जाएगा, वहाँ से आपको सब कुछ मतलब ऑपरेट करने का मिल जाएगा। इस साइड की बात करें तो इस साइड का जो कंट्रोल है उसको हेडलाइट और इंडिकेटर के लिए रखा गया, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, 4 एनालॉग मीटर मिल जाता है, इधर में आपका RPM मीटर मिलता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको फ्यूल का गेज मिलेगा, और जो डिस्प्ले है कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको डेप का गेज मिल जाता है, इस साइड में आपको ओडोमीटर रीडिंग, यहाँ एयर का प्रेशर, यहाँ पे माइलेज मिल जाएगा, यहाँ हैवी ड्यूटी न्यूट्रल बैटरी वोल्टेज टाइम, एक चमकता हुआ टाटा का लोगो नीचे में मिल जाता है, और 4 बटन मिल जाते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। और डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड में इधर कुछ स्विचेस मिल जाते हैं, जैसे रिजनेशन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, लाइट मोड हैवी मोड का स्विच मिल जाता है। और इस साइड की बात करें तो इस साइड में आपको ब्लोवर के लिए वेंट मिल जाते हैं, और नीचे में आपका स्पीकर लगाने का स्पेस देखने को मिल जाता है।
और इस साइड में आपको पार्किंग ब्रेक मिलता है और यहाँ पे हेल्प का बटन मिल जाएंगे और इस साइड में आपको ब्लोवर मिल जाते हैं यहाँ ऑपरेट करने के लिए और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम का स्पेस मिल जाता है, अगर लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं और यहाँ पे आपको सीरियल लाइटर देखने को मिलता है। यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉड मिल जाते हैं, यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग रखने का स्पेस मिल जाता है और डैशबोर्ड कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स भी देखने को मिलते हैं जो कि लॉकेबल है, यहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड ऊपर की बात करें तो जो रूफ है वो आपको सॉफ्ट रूफ देखने को मिलता है और यहाँ पे देख सकते हैं सन वाइजर भी देखने को मिल जाते हैं और को पायलट के साइड में भी देखने को मिल जाता है आपको सन वाइजर और स्पेस आपको काफ़ी सही मिलता है। यहाँ पे स्लीपर कैबिन होने की वजह से आपको उठने बैठने में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा जैसा कि देख सकते हैं। और पीछे की बात करें तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया मैं स्लीपर कैबिन है ये, तो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है प्रॉपर सोने के लिए, यहाँ पे आप आराम वगैरह आराम से कर सकते हैं और यहाँ पे आपका एयर वेंटिलेशन के लिए मिल जाते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं फ्रंट खाली मिलता है, यहाँ पे आप कुछ पैडिंग वगैरह कराना चाहे आफ्टर मार्केट तो करा सकते हैं। और ऊपर में आपको LED लाइट मिल जाता है जैसा कि देख सकते हैं। और फ्रेंड गियर नॉब कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5 फाइव स्पीड के साथ में आती है और कुछ ऐसा इसका लीवर देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड सीट की बात करें तो एक ड्राइवर सीट मिलता है आपको इस साइड में और दो जन आराम से बैठ सकता है यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं। सीट काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है, काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपने अंदर का व्यू देखा, अंदर का व्यू अगर कैसा लगा होगा लाइक कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट में। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप व्यूवर्स से, जैसे कि मैं टाटा का रिव्यू किया हूँ इस व्हीकल का, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस ब्रांड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, आइसर हो गया, भारत बेंच हो गया, जिस पे आपका भरोसा है और आप कितनी व्हीकल को किस कंपनी के साथ ऑन कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ। और इस व्हीकल की अगर इंजन की बात करें तो इंजन आपको 3.3 लीटर का मिलता है टाटा की तरफ से और इसकी मैक्सिमम पावर की बात करें 160 HP की देखने को मिलती है 2600 RPM पे और मैक्सिमम टॉर्क आपको 475 न्यूटन मीटर मिलता है 1600 से 2000 RPM पे। टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है, पावर काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसकी वारंटी की बात करें तो 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की मिलती है टाटा की तरफ से और प्राइस आपको 29,26,000 से शुरू हो जाती है एक शोरूम दिल्ली, जो कि साइड टू साइड वेरी करती है। आप अपने नज़दीकी डीलरशिप में जाकर पता कर सकते हैं क्या प्राइस अभी चल रहा है। तो इसी टॉपिक के साथ फ्रेंड वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी करेगा तो फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट की रिप्लाई करता हूं। और नए चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही ट्रक और कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूं। तो जल्द मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर।